ये क्वेश्चन है कि ओमान कैसे आया जाए, आप जॉब के लिए ओमान कैसे आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करने के लिए कहा गया है ओमान आने के पहले, वो आप कैसे कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम शेली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। अब बहुत सारे लोग हैप्पी हो गए होंगे, इतने टाइम से आप लोग फ्लाइट्स के ओपन होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली 1 सितंबर से ये इंतज़ार ओवर हो गया है। फ्लाइट्स बैन वगैरह जो है वो हटा दी गई हैं, तो आप सभी फाइनली आप ओमान आ सकते हो। फिर भी ट्रैवल को लेकर, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में आंसर कर दूं। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द अर्बन जोड़ी, सो दैट ऐसे बहुत सारे अपडेट्स एंड फन वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे जो बैन है वो सितंबर के एंड तक एक्सटेंड कर दी गई है, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब मैं आपको बता दूं, उसका मतलब सिर्फ उन फ्लाइट्स के लिए है जो बबल के अंदर नहीं आते, मतलब जो भी फ्लाइट्स पहले चल रहे थे जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, ओमान एयर वगैरह, ये सब बबल के अंदर की फ्लाइट्स है। ये बबल के अंदर की जो फ्लाइट्स है ना वो 1 सितंबर से ओपन हो गई हैं, बट बाकी सारी जो फ्लाइट्स थी ना जैसे इंडिगो, गो एयर वगैरह, वो सारे के लिए भी अभी सितंबर एंड तक बैन एक्सटेंड कर दिया गया है। सिर्फ ओमान के लिए नहीं, और भी कंट्रीज इसमें आते हैं जो पिछले साल से ही चल रहा है, लेकिन बबल के अंदर की जो भी फ्लाइट्स है ना वो 1 सितंबर के बाद से जरूर चलेंगी। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि क्या ओमान ने न्यू वीजाज इशू करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो जी हाँ, ओमान की तरफ से पहले ही ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई थी गवर्नमेंट के थ्रू कि न्यू वीज़ा इशू होना, हर टाइप के वीज़ा इशू होना 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इस प्रोसेस में आपको डिले होता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के एप्लीकेशंस आ रहे होंगे इसीलिए डिले होगा, बट जो वीज़ा इशू का प्रोसेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है तो क्या आप ओमान आ सकते हो। तो ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया गया था कि अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोजेज नहीं लिए हैं, आपके पास एक QR कोड आपके सर्टिफिकेट में नहीं है जिससे ये स्कैन किया जा सके कि आप लोगों ने वैक्सीन पूरा फुल्ली लिया हुआ है, तो आप लोग ओमान में एंटर नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी क्राइटेरिया है अभी ओमान में एंटर करने के लिए कि आप लोगों के दो डोजेज वैक्सीन के कंप्लीटेड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन का एक डोज इंडिया में लिया हुआ है तो क्या आप ओमान आ सकते हो और यहाँ आकर अपना सेकेंड डोज ले सकते हो। तो ये क्राइटेरिया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होती है जो लोग ओमान में अपना फर्स्ट डोज लेकर इंडिया चले गए थे और वहाँ पे स्टक हो गए थे, और वापस आने के बाद वो ओमान में ही सेकेंड डोज लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वापस आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना सेकेंड डोज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपने इंडिया में ही अपना फर्स्ट डोज लिया था तो आप लोगों को अपना सेकेंड डोज इंडिया में ही कंप्लीट करके ओमान आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो हमसे हर वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन है कि ओमान कैसे आया जाए, आप जॉब के लिए ओमान कैसे आ सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप जान लो कि ओमान में वर्क वीज़ा के लिए आप लोगों के पास एक स्पॉन्सर होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंट्रीज़ में आने के बाद आप PR ले सकते हो, फिर जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो, बट ओमान में ऐसा नहीं है। अगर आप ओमान में काम करना चाहते हो तो आपके पास जॉब ऑफर पहले से होना ही चाहिए, और वही कंपनी जो है आपके वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह इशू करती है। तो इसीलिए ओमान में आप लोगों के पास पहले से जॉब ऑफर होना चाहिए ओमान में आकर जॉब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करने के लिए कहा गया है ओमान आने के पहले, वो आप कैसे कर सकते हो। मोस्टली तो तरासुद ऐप से ही अपलोड होना चाहिए, पर फिलहाल शायद ऐप अपडेट जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन आप चेक करते रहना, ऐप अपडेट हो जाएगा और उसके बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आप इसके अंदर अपलोड कर पाओगे। फिर भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने साथ कैरी करना अगर ये ऐप अपडेट नहीं होता है तो। इसके अलावा ई मुशरिफ के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा, आप वहाँ जाकर भी इसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद सारे कन्फर्मेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना। इसके बारे में मैं डिटेल प्रोसेस या वीडियो जो है आपको जल्दी ही बताऊंगी। अगर आप में से कोई भी ट्रैवल कर रहा है और उन्होंने ये प्रोसेस किया है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट बाकी सारे लोगों को भी हेल्प हो सके कि आपका प्रोसेस और एक्सपीरियंस कैसा रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओमान आने के टाइम पे आप लोग होटल बुकिंग कैसे करवाओगे। तो ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि आप डायरेक्ट होटल बुकिंग नहीं करवाओगे, सहाला प्लेटफॉर्म के थ्रू जाकर अपने होटल्स को बुक करवाओगे। जिन लोगों को भी क्वारंटीन करना है उनको सहाला पे ही जाकर सारे होटल्स वगैरह की प्राइसेस चेक करना होगा और अपने हिसाब से बुकिंग्स करवाने पड़ेंगे। तो आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।